अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सैयद अदील और आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर। जैसा कि ज्यादातर लोगों को पहले से ही इल्म है कि 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज की हमारी वीडियो ओलंपिक्स की हिस्ट्री और पेरिस ओलंपिक से कुछ दिलचस्प हकायक के ऊपर मबनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक्स की हिस्ट्री। कदीम ओलंपिक्स की जड़ें यूनान के शहर ओलंपिया से मिलती हैं, जहां ये गेम्स पहली बार 800 बीसी में मुनक्किद की गई। ओलंपिया का शहर ग्रीक गॉड ज्यूस की सबसे अहम पनाहगाह थी और इसीलिए ओलंपिक गेम्स का स्टार्ट भी ओलंपिया से हुआ, जहां पे इनको ग्रीक गॉड ज्यूस के ऑनर के तौर पर शुरू किया गया। ये गेम्स काफी सदियों तक बिलतरतीब जारी रही, लेकिन रोमन किंग थियोडोसियस ने कुछ सदियों बाद इन गेम्स को बंद करवा दिया हमेशा के लिए। अब उसमें बंद करवाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि थियोडोसियस का कहना था कि ये गेम्स का क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये पैगन्स का एक त्यौहार है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं पैगन्स का और क्रिश्चियनिटी में क्या डिफरेंस है, जिसकी बिना पर ओलंपिक गेम्स को सदियों बाद हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। पैगन्स जनरली मल्टीपल गॉड्स पे बिलीव करते हैं। उनका मानना यह है कि खुराक का खुदा, मट्टी का खुदा, आग का खुदा, पानी का खुदा, सब खुदा डिफरेंट है और इस तरह से वो उनको पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमें पता है मोस्टली जो क्रिश्चियनिटी में लोग सिंगल गॉड पे बिलीव करते हैं और उनका मानना यह है कि गॉड जो है वो थ्री फॉर्म्स में हमारे पास अपीयर होते हैं, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। जदीद ओलंपिक गेम्स की जड़ें भी यूनान वापस जाती हैं, जहां ये गेम्स 1896 में पहली बार एथेंस में मुनक्किद हुई। इन ओलंपिक गेम्स के कुछ शानदार हकायक हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। पियर डी कोबर्टन वो आदमी है जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बुनियाद रखी। 1894 में पियर डी कोबर्टन ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। इस कमेटी का पर्पज ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करना था और हमने देखा कि 1896 में पहली ओलंपिक गेम्स की पहला इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया यूनान के शहर एथेंस में। अगर हम क्विकली एनालाइज करें कि वो ममालिक जिन्होंने ओलंपिक्स की हिस्ट्री में ज्यादातर अरसा रूल किया है, उन ममालिक में हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सरफहरिस्त है। अमेरिकन जो एथलीट्स हैं उन्होंने अपनी तकरीबन 130 ईयर्स में ओलंपिक्स की हिस्ट्री में अपनी अजारादारी कायम रखी है। अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने ज्यादातर तकरीबन 60% जो ओलंपिक इवेंट्स हैं उनको विन किया है और अमेरिका ही वो कंट्री है जिसके एथलीट्स ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हिस्ट्री में विन किए हैं। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें कि अमेरिका ओलंपिक्स की 130 ईयर हिस्ट्री में वो कौन से एथलीट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल विन किए, तो माइकल फिलिप्स 28 मेडल के साथ सरफहरिस्त हैं जो कि अमेरिकन स्विमर हैं। और इसी तरह खवातीन में सबसे ज्यादा मेडल विन करने वाली जिमनास्टिक से ताल्लुक रखने वाली खतून लारिसा लैटिनिना हैं जो कि यूएसएसआर से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि लारिसा लैटिनिना यूएसएसआर से बिलोंग करती हैं। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक स्टेट थी जो कि कोल्ड वॉर के बाद 1991 में डिसॉल्व कर दी गई। अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स 2024 पर जाने से पहले एक आखिरी आपके साथ दिलचस्प इंफॉर्मेशन शेयर करूं। ऑल ओवर द वर्ल्ड एथलीट्स जो हैं गोल्ड मेडल को विन करने के लिए कम्पीट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इलम है कि जो गोल्ड मेडल सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है ओलंपिक्स का, उसमें सिर्फ 6 ग्राम गोल्ड शामिल होता है। इस वक्त पेरिस 2024 ओलंपिक्स जो स्टार्ट होने जा रही हैं उस ओलंपिक को वो समर ओलंपिक्स का 33rd एडिशन है और वो फ्रांस के 16 सिटीज में कंडक्ट की जाएंगी। ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री की तरह पेरिस ओलंपिक से भी कुछ शानदार हकाइक को जोड़ा जा रहा है और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ओलंपिक्स की 130 ईयर हिस्ट्री में कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि जेंडर पैरिटी हमें देखने को मिले, जो कि हमें पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिलेगी। पेरिस ओलंपिक्स में जितने मेल एथलीट्स हैं उसके इक्वल फीमेल एथलीट्स भी शामिल हैं, जो कि 5250 बनते हैं। इसके बरक्स अगर हम हिस्ट्री में रिव्यू करें तो जो पहले ओलंपिक्स मुनक्किद हुए थे 1896 में उनमें कोई भी फीमेल एथलीट शामिल नहीं थी, तो अब 10,500 में से 5,250 खवातीन का शामिल होना इस बात का सबूत है कि हम जिस तरह से ग्लोबल कम्युनिटी में वुमेन एम्पावरमेंट का शिफ्ट देख रहे हैं वो हमें पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिलेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये हमें पेरिस में भी देखने को मिलेंगी। पेरिस की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने AI बेस्ड
ट्रांसलेशन डिवाइसेस इंस्टॉल की हैं तकरीबन 3000 के करीब, और उनका पर्पज ये होगा कि दुनिया भर से आने वाले सयाहों को किसी भी लैंग्वेज बैरियर का मसला दरपेश ना हो, वो अपनी तकरीबन 16 लैंग्वेज में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। मैं AI बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम जो फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसका नाम ट्रेडिविया है। यहाँ पे मैं आपके साथ मजीद हकायक शेयर करता चलूँ। जैसे कि हमें पता है पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस के चैलेंज में फंसी हुई है, और तकरीबन सारे ममालिक मिलकर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं कि हमने किस तरह से कार्बन को नेट जीरो करना है। ये चीज हमें ओलंपिक्स में भी देखने को मिलेगी, जिस तरह से ओलंपिक्स की हिस्ट्री में ये पहली बार इवेंट होगा कि एथलीट्स को अपने रूम्स में एयर कंडीशनिंग की सहूलत मौजूद नहीं होगी, इसलिए इनको ग्रीनेस्ट एवर ओलंपिक्स भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही पेरिस में ओलंपिक्स की 100 साल बाद वापसी हुई है, इसलिए इनको 100th एनिवर्सरी भी कहा जा रहा है। पेरिस दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गया है जिनमें सबसे ज्यादा बार ओलंपिक्स मुनक्किद की। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो पहली बार पेरिस में ओलंपिक्स 1900 में ऑर्गेनाइज किए गए, जो कि ओलंपिक्स का हिस्ट्री का दूसरा इवेंट था और पेरिस का पहला इवेंट था। उसके बाद 1924 में दूसरी बार पेरिस में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया, और ये तीसरा इवेंट होगा 100 साल बाद जो कि पेरिस में दोबारा अरेंज किया जा रहा है। जब हम पेरिस की बात करें तो हम आइकॉनिक आईफिल टावर को कैसे भूल सकते हैं। आईफिल टावर भी इन ओलंपिक्स का मल्टीपल तरीकों से पार्ट बनने वाला है। आईफिल टावर के नीचे एक टेम्परेरी आउटडोर अरीना जिसे बीच वॉलीबॉल का नाम दिया गया है अरेंज किया गया है। अब इस जब भी वहां पे बीच वॉलीबॉल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, साथ साथ आईफिल टावर को भी हमें मुख्तलिफ व्यूज में देखने को मौका मिलेगा। और इसके अलावा इन ओलंपिक्स की सबसे खसूसी चीज ये भी है कि जो मेडल्स एथलीट्स विन करेंगे उनमें आईफिल टावर की अपनी मेडल भी शामिल की जाएगी। तो इस तरह से एथलीट समहो कॉम्पिटिशंस को विन करके आईफिल टावर का पार्ट भी अपने साथ लेकर जाएंगे। और लास्ट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि इन ओलंपिक्स में एक न्यू गेम को ऐड किया गया है जिसका नाम है ब्रेकिंग, जो कि हिप हॉप कल्चर बेस्ड एक डांस है वुमेन और मेन के लिए सेपरेट कैटेगरीज में। ये थे ओलंपिक से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। इस तरह की करंट अफेयर पर मबनी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए जुड़े रहिए फोकस सॉफ्ट के साथ। शुक्रिया।